हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, IBPS ने RRB क्लेरिकल प्री का एडमिट कार्ड भी आउट कर दिया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है वो 19th एंड 20th सितंबर को होगा। किसी का 26 सितंबर को है तो बताना, वैसे मुझे लगता है कि दो ही दिन एग्ज़ाम्स हैं। अगर आपका जो भी आपकी डेट में एग्ज़ाम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। जैसे फ्रेंड्स, इनकी जो वेबसाइट है www.ibps.in, इस पर आपको लॉगिन क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ये जो लिंक है ये दिख जाएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर ऑफिस असिस्टेंट RRB क्लेरिकल पेपर। ठीक है, तो प्री का एडमिट कार्ड है ये। यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी जिसमें आपको चाहिए एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन आपको एंटर करना है, एंड देन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न ऐसे है जैसे आपका 4 मार्च को है, तो 04-month 03- और लास्ट के 2 डिजिट जैसे 95। ओके, तो ऐसे आपको एंटर करना है, और देन आपको कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर देना है। कैप्चा कोड स्मॉल लेटर्स में ही है तो स्मॉल लेटर्स ही यूज़ कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अब बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं, और अब इसके बाद मुझे लगता है कि 20 सितंबर के बाद SBI क्लरिकल मेंस का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सॉरी, मेंस का नहीं, प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके बाद उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा मेंस के लिए। और RBA असिस्टेंट का भी अभी होना है एग्ज़ाम्स, तो उसका भी होगा। ठीक है, क्योंकि 3 अक्टूबर से IBPS PO के पेपर होंगे। अब तो बैक टू बैक एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स, अब कोई पोस्टपोन एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो विश यू गुड लक फ्रेंड्स, और जिसका भी कल पेपर है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से दीजिएगा पेपर फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। N95 मास्क अगर आप ले जा सकते हैं तो कंपल्सरी है, वैसे ले जाइए। वैसे वहाँ पर मास्क लिखा हुआ है, लेकिन आप N95 अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर ले जाइएगा। ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में फ्रेंड्स। और 50 ml का आपको सैनिटाइज़र ले जाना है, हैंड सैनिटाइज़र, और वाटर बॉटल, पेन, और आपका ID कार्ड और एडमिट कार्ड, और फ़ोटो, जो ID कार्ड की फ़ोटो स्टेट कॉपी, और 2 फोटोग्राफ अपनी ले जानी है। वैसे तो एक ही पेस्ट होती है, लेकिन 2 ले जाके रखिएगा, और 2 पेन ले जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स विश यू गुड लक, और ग्लव्स भी ले जाना। ठीक है, और आरोग्य सेतु ऐप होने चाहिए आपके मोबाइल ऐप्स में फ्रेंड्स, क्योंकि उससे वो आपका स्टेटस चेक करेंगे। जिन कैंडिडेट्स के पास मोबाइल नहीं है वो सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म भी ले जाइएगा अपने साथ। वैसे आप बेटर रहेगा कि सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि कई बार होता है कि फ़ोन हैंग हो जाए या फिर कुछ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, ऑन ना हो, तो फिर आप उनको सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म शो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडमिट कार्ड आउट हो चुका है फ्रेंड्स। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कब है। मेरा पेपर 20 सितंबर को है। ठीक है, आप बताइएगा, 20 सितंबर 9:45 पे है। और आप भी अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपका कब कब एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश यू गुड लक, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।